समझ गया समझ गया। अरे हमारा भी पहला टाइम है ना, नेक्स्ट टाइम अच्छा पहला ले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज कैंपिंग के लिए, अपनी पूरी फैमिली अपने साथ है एंड ये हमारा पहला एक्सपीरियंस रहेगा कैंपिंग का। काफ़ी सालों से हम चाहते थे कि कैंपिंग करें, लेकिन हमेशा हमें डर रहता था सेफ्टी का। आज हम अपना डर दूर करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि कैंपिंग कैसे होता है, सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं एंड एक नया सा एक्सपीरियंस हम लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अभी अपना व्हीकल ला के अपने जगह पे रुका चुके हैं और हमने ये लास्ट वाला जगह चूज़ किया है। तो हमको एक टेबल एंड वन मोर टेबल, दो टेबल मिल चुका है हमको। और चार्जिंग पॉइंट अगर आप देख सकते हो तो पीछे जो है, इसके पीछे टेबल के पीछे एक चार्जिंग पॉइंट है, नंबर वन। नंबर टू चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो ये दो चार्जिंग पॉइंट है हमारे लिए। और पानी को अगर हम जाना है पानी के पास, तो हमको शायद उस तरफ से जाना पड़ेगा हमको पानी के पास। और दो टेंट लगाए हुए हैं हम लोग और एकदम बगल में लेक है एंड सनसेट का टाइम है अभी। और जाइना कुकिंग करते हुए, क्या तुम बता सकती हो क्या कुकिंग चल रहा है सुमन यहाँ पे? अच्छा, मैं फिश करी बना रही हूँ। ओके, फिश मॉयली। ओके, दैट्स नाइस। फिश मॉयली और मुझे हल्दी लाके दे दो किधर से। आगे आप देख रहे हो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। और अभी टाइम है ऑलमोस्ट 6 o'clock। फ्रेंड्स कितना पीसफुल है यहाँ पे, आप सुन सकते हो बर्ड की आवाज। एक बार ऐसे जगह पे विजिट करना ज़रूरी है अगर आप नेचर लवर हो, आपको शांति, दुनिया की भाग दौड़ से बचना हो, या तो आप ऐसी जगह पे आ सकते हो। और यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। और आगे आप देखोगे तो वो बेस कैंप है जहाँ पे वाईफाई वर्क होता है एंड जो हमने चूज़ किया है वो है BYOT, दैट मीन्स ब्रिंग योर ओन टेंट। और जो अल्कोहल लवर्स है उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा है, ये लोग आपको नंबर दे देंगे तो आप इनको फ़ोन करके मंगवा सकते हैं जो भी आपको चाहिए। बाकी पीस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्लेनलीनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसी जगह पे आप गंदगी मत करिएगा, अपना जो भी कचरा है उसको, अपने ट्रैश को अपने साथ लेके जाइए और जो उसकी सही जगह है वहाँ पे डंप कीजिएगा। गाइस, यहाँ पे अभी खाना तैयार हो चुका है और बच्चे खाना खा रहे हैं। सुमन ने फिश मॉयली एंड प्रॉन्स किया है, तो प्रॉन्स फ्राई। आप लोग सेटल हो रहे और अपने पास एक बिल्ली आ रही है, शायद इस बिल्ली को
उसने कुत्ते को देख लिया, नोवा को देख लिया, वो बिल्ली बहुत खुशी से आ रही थी। आप देख सकते हो कि बिल्ली का रिएक्शन क्या है फ्रेंड्स। हर बिल्ली ऐसी रिएक्ट करती है जब एक कुत्ते को देखती है, और ये रो रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अभी सुमन फिश फ्राई करते हुए अपने पोर्टेबल गैस पे चारकोल में आग लगाने की कोशिश जारी है। तो कुछ ही देर में हम अपना ग्रिलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स पहली बार मैं मच्छी पलट रहा हूँ, तो अगर गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और गाइड कीजिए कि कैसा करते हैं। ये बड़ा वाला मच्छी है फ्रेंड्स, ये मच्छी मैं खाऊंगा। बड़े होने का यही फायदा है फ्रेंड्स कि बड़ा वाला चीज़ आपको मिल सकता है हक से। ओके हाँ, कोयला कम पड़ गया ना। कोयला ये कोयला अच्छा ना, कोयला नहीं ना, अच्छा कोयला नहीं है ये। हाँ समझ गया। अरे हमारा भी पहला टाइम है ना, नेक्स्ट टाइम अच्छा कोयला लेके आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम बाबू। सिक्योरिटी कम से कम अभी 7:30 बजे हैं, 2-3 बार घूम चुके हैं और वो सब कपल्स फैमिलीज ऑल एजुकेटेड पीपल यू नो, ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं आते हैं। तो ऑब्वियसली सेफ्टी के बारे में 1% का भी सवाल नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी सुमन ने ग्रिल ख़त्म कर दिया है, अपना चिकन पक चुका है एंड अभी सर्व करने का टाइम है। तो हम खाएंगे मज़ेदार गर्मा गर्म चिकन और चिकन लेग पीस। तो फ्रेंड्स रात के 9:30 है अभी और हम देख रहे हैं इनका बाथरूम कैसे क्लीन है। तो दिस इज द थिंग, यू कैन हैव अ लुक, ऑल लुक्स गुड, ऑल लुक्स क्लीन, सब कुछ साफ है यहाँ पे। और आज वीकेंड है तो आप समझ सकते हो कि क्राउड बहुत सारे यहाँ पे, और फिर भी इन्होंने इतना अच्छा मेंटेनेंस रखा है अपने रेस्टरूम का। एंड दिस इज़ अ कॉमन बाथरूम फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि अपना पर्सनल है या फिर कुछ, ये है जनरल बाथरूम सबके लिए। सो ये है क्लीनलीनेस इनका यहाँ पे, और ये है हम। लाइटिंग बहुत अच्छा है ना यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 7 बजे से उठे हम लोग और सब उठ चुके हैं छोटी को छोड़ के, और आसपास में लोग उठे हुए हैं। आप देख सकते हो कि सब फोटो वीडियोस निकाल रहे हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 3-4 स्टेप्स के बाद यहाँ पे हमको अपना लेक दिखाई देता है। अर्ली मॉर्निंग बहुत ही काम है, दिल करता है कि यहीं पे 1-2 हफ्ते बिताओ। तो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो है यहाँ पे उनके स्टे पे हम अपना टेंट ले, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके एयर फ्रेम्स भी। सो दिस इज बेसिकली द सेटअप।
तो ये है कैंप फायर की जगह जो हम रात में आए थे और कोई और लोग यहाँ पे ऑक्यूपाई किए थे, तो हमको उतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। ये है कैंप फायर की जगह फ्रेंड्स, एंड बगल में लेक आप सुन सकते हो, बर्ड्स की आवाज़, ये है क्रो की आवाज़, और दोनों बच्चे लाइबा और रोमाइजा हैमॉक में बैठे हुए हैं। तो बहुत ही एंजॉयबल लोकेशन है फ्रेंड्स, एक दिन से काफ़ी नहीं आता, दिल नहीं भरता यहाँ पे, कम से कम 2 दिन या 3 दिन। हमारी जो नोवा है वो भी विदाउट लीश घूम रही है जंगल में, जो व्हीकल है वहाँ हम पार्क किए हैं। That's where we have parked a vehicle and that's where we have set up a camp as well in the corner. And plantation है बगल में, friends आप देख सकते हो, this is the plantation area and that's the lake again there. Very peaceful place over here. तो फ्रेंड्स हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से, हम लोग खाना भी खा लिए और चेकआउट भी किए, अब हम जा रहे हैं प्राणी पेट सेंचुरी पे। एंड बच्चों को, सुमन को, सबको बहुत ही अच्छा लगा, डेफिनेटली हम दोबारा आएंगे यहाँ पे, एक दिन बस नहीं होता। आज का कैंपिंग एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, सेफ्टी तो एक नंबर, और यू नो लाइफ में तो एक बार कैंपिंग करना बहुत ज़रूरी है।